हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सीमाओं को आमजन की आवाजाही के लिए खोलने के बाद से ही बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र में भी भू माफिया और शराब माफिया के साथ साथ अब वन माफिया भी क्षेत्र में पैर पसारने लगा है। नालागढ़ वन्य विभाग द्वारा गश्त के दौरान एक लखनपुर के नजदीक छोटे टेम्पो को सुनसान रास्ते पर खड़ा देखा, जिस पर वन विभाग की टीम ने शक के आधार पर जब गाड़ी की तलाशी लेने के लिए गाड़ी के पास पहुंचे तो वहां पर मौजूद चार लोगों में से तीन लोग अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग गए, जबकि विभाग की टीम ने एक आरोपी को मौके पर ही धर दबोचा। वहीं जब वन विभाग की टीम ने गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी में से खैर के 10 मूछे और एक द्विहथी आरा मौके पर गाड़ी से बरामद किया। कल रात को जैसे ही खुफिया सूचना हमारे स्टाफ को मिली नालागढ़ फॉरेस्ट रेंज के, उसमें जो सैनी माजरा ब्लॉक था उसके हमारे तकरीबन 5 मेंबर्स जो थे रात्रि गश्त पे थे, उनको जैसे ही सूचना मिली तो वह जीड़ा गांव में पहुंचे। वहां पे उन्होंने पिकअप जो है वो खड़ी देखी जिस पे तारपीन पूरी लगी हुई थी, और जैसे ही उन्होंने उसकी इंस्पेक्शन शुरू की तो चार लोग जो हैं उस पिकअप से निकल कर भागने लगे, और उनमें से एक को पकड़ने में हमारी टीम कामयाब रही, जिसको हमारी टीम ने रात को 3 बजे अरेस्ट कर लिया और गाड़ी जो है वो भी सीज कर ली है। उज्जवल हिमाचल के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।